रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित प्रदर्शन स्थल पर हजारों की संख्या में कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का प्रदर्शन को भाजपा का समर्थन मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह धरनास्थल कर्मचारियों के प्रदर्शन को समर्थन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार आई तो सबसे पहले कर्मचारियों की चिंता करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह याद दिलाने आया हूं कि उन्होंने घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की थी। उन्होंने जन घोषणा पत्र में लिखा था कि 10 दिनों के अंदर उन्हें स्थायी करने का काम किया जाएगा, लेकिन आज 4.25 साल हो गए हैं, आज तक कर्मचारियों को रेगुलर नहीं किया गया है। हम कर्मचारियों के प्रदर्शन का समर्थन करने आए हैं। वहीं 10 से 12 सितंबर तक रायपुर में होने वाले आरएसएस की बैठक को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अच्छी बात है कि आरएसएस के प्रदेश में बैठक हो रही है, संघ परिवार के लोग छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। उनकी बैठक गैर राजनीतिक होती है, वह देश और समाज के लिए चर्चा करते हैं। साथ ही आरएसएस की बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री शामिल होंगे। मैं यहाँ आया हूँ, भूपेश बघेल को याद दिलाने के लिए आया हूँ कि जन घोषणा पत्र में उन्होंने जो घोषणा किया था अनियमित कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करने का, और उन्होंने घोषणा किया था, जन घोषणा पत्र में लिखा है कि 10 दिनों के अंदर इनको स्थायीकरण का काम किया जाएगा। 4.25 साल हो गए पर आज तक कर्मचारियों को रेगुलर नहीं किया गया। आज हम उनका समर्थन करते हैं।